हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे पेड सेक्स के बारे में। पेड सेक्स आखिर है क्या? क्या इसमें सिर्फ जो सेक्स वर्कर्स आती हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वही इस काम को करती हैं? जो बॉयज होते हैं, जो मेल होते हैं, वो क्यों पैसे देकर किसी ऐसी फीमेल के पास जाते हैं जो पता नहीं किस किस के साथ हम बिस्तर हुई होती है? सीधी सी बात है ना, अगर आपको मतलब एक सोचने वाली बात है कि एक इंसान जब शादी करता है ना, तो उसके माइंड में हमेशा एक चीज रहती है कि भाई मेरी जो वाइफ है वो सिर्फ मेरी है, उसको मेरे सिवाय कोई टच नहीं कर सकता। एक इंसान के अंदर मतलब एक मेल के अंदर ये चीज हमेशा रहती है कि भाई मेरी बीवी है, कोई अगर इसकी तरफ देखेगा भी ना तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। और वो उसके साथ सेफ भी होता है, जिस टाइम मर्जी वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहे वो हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। बट फिर भी वो क्यों एक ऐसी फीमेल के पास जाता है, एक ऐसी कॉल गर्ल को हायर करना चाहता है जो उससे पैसे भी लेती है, और उस मेल को ये भी पता नहीं होता है कि वो पता नहीं कितने लोगों के साथ हम बिस्तर हुई होगी, कितने शराबी कबाबी मतलब बिगड़े हुए सीधे सादे शरीफ लोग, पता नहीं किस किस तरह के लोगों को उसने के लोगों ने उसे टच किया होता है। बट फिर भी क्यों एक इंसान ऐसी कॉल गर्ल्स के पास, प्रोस्टिट्यूट्स के पास चला जाता है? और आजकल देखिए जो पेड सेक्स है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं रह गया है, सिर्फ फीमेल्स ही ये चीज़ नहीं करती हैं कि वो पैसे लेकर जो है वो किसी मेल की जो संतुष्टि है उसको पूरा कर रही है, उसकी जो फीलिंग्स है उसका ध्यान रख रही है, या उसका जो ऑर्गेजम है उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो करवा रही हैं। आज के टाइम में बॉयज को भी हायर किया जाता है जिनको जिगोलो बोलते हैं। और जिगोलो जो होते हैं, जो बॉयज ऐसे होते हैं, वो मेल प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं। और कुछ फीमेल्स जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती, पैसा अथाह होता है बट उनको जो शारीरिक सुख चाहिए होता है वो उनको नहीं मिलता है, और उसको लेने के लिए वो जिगोलो बॉयज को, मेल प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करती हैं और फिर उनके साथ अपना जो है वो इंजॉय करती हैं, बिकॉज उनको अपने हस्बैंड से वो सुख नहीं मिलता है। एक एज हो जाती है ना, कुछ जैसे औरतें होती हैं, हस्बैंड बड़े बड़े बिजनेसमैन बने बैठे हैं, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, बट अगलियों की जो सोसाइटी है ना वो ऐसी हो जाती है कि हाँ भाई उनको जो शारीरिक सुख है वो नहीं मिल रहा है, तो इसी चक्कर में वो जिगोलो को हायर करती हैं। तो आजकल ये जो पेड सेक्स है ना, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं रह गया है, ये मेल्स के लिए भी हो गया है। ज़रूरत की बात है, किसी मेल को अगर पैसे की ज़रूरत है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, और उसको पैसा भी खूब चाहिए, और उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, काम धंधा भी नहीं करना है, तो उसको होता है कि चलो भाई जिगोलो बन जाओ, अच्छे भले पैसे भी मिलेंगे, और उनके मन में होता है कि हाँ भाई इंजॉय का इंजॉय हो जाएगा, जेब भी हमारी गर्म होती रहेगी। दूसरी तरफ जो फीमेल्स होती हैं, देखिए उसमें भी कई तरह की फीमेल्स होती हैं, किसी की मजबूरी हो जाती है कि हाँ भाई मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है। और आजकल ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैलती चली जा रही है, यंग जो हमारी यूथ है ना आज की, उसके अंदर इस चीज़ की इतनी ज़्यादा मतलब उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा डिमांड करती है ना इस चीज़ की कि ऐसे तो नहीं है भाई किसी को भी जाके बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है और कोई भी तैयार हो जाएगी, फालतू में मारपीट हो जाएगी, किसी पर आप ट्राई करोगे चाहे फिर वो कोई यंग लड़की हो मतलब कॉलेज गोइंग लड़की हो, कोई फीमेल हो मतलब कोई भी हो, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, वो इजी नहीं है। और उसके लिए फिर नॉर्मली लड़कों को क्या दिखता है कि भाई चलो कोई ऐसी प्रोस्टिट्यूट, ऐसी कॉल गर्ल हम हायर करते हैं जो पैसे लेगी, और उसके पास जाकर हम अपनी जो डिज़ायर है उसको पूरा करेंगे, और बाद में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बिकॉज गिव एंड टेक का जो है वो काम यहाँ पर होता है, इस हाथ ले उस हाथ दे, एक पैसे ले रहा है, दूसरा अपनी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा है। तो इसमें देखें मेल और फीमेल आजकल दोनों ही ये चीज़ करने लगे हैं, फीमेल्स भी अपनी ज़रूरत के लिए ऐसे काम करती हैं और मेल्स भी अपनी ज़रूरत के लिए ऐसे काम करती हैं। अभी देखिए बात हो जाती है यंग बॉयज़ की, आज के यूथ की, अगर उनकी बात हम करें तो
करियर पर फोकस करते करते पढ़ते पढ़ते जो है उनकी एज मतलब ज्यादा हो जाती है, 25 के हुए, 30 के हो गए, 30 के बाद 35 के भी कुछ बॉयज हो जाते हैं, बट शादी नहीं कर पाते हैं। घर वाले भी सोचते हैं कुछ कमा धमा तो रहे नहीं है, क्यों भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम अपने सिर पर डाल लें। तो देखिए, बॉडी है, बॉडी जिस चीज की डिमांड करेगी वो तो करेगी ही। अभी सेक्स एक ऐसी चीज है ना, वो टाइम पे आएगा ही, उसका मन होगा ही, चाहे आप कुछ करें चाहे आप ना करें। तो आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई चलो सीधा मैं तो अपना कॉल गर्ल हायर करता हूँ और उसके साथ अपनी जो है वो डिजायर पूरी करता हूँ, पैसे देता हूँ और बात खत्म, मेरी इच्छा भी पूरी हो रही है और मुझे फालतू में कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। वहां पर ना प्रेगनेंसी का खर्चा, ना फालतू के जो चोचले होते हैं। अभी कोई गर्लफ्रेंड बनाने चले तो उसके 1000 नखरे सहो, उसको 10 बार महंगे महंगे होटलों में खाना खिलाओ, उसको महंगे महंगे से गिफ्ट दो, आज मुझे ड्रेस चाहिए, आज मुझे ये वाला पर्स चाहिए, आज मुझे ऐसे फुटवेयर चाहिए, बहुत सारी डिमांड्स उनकी पूरी करो, मोबाइल के बिल्स आप पे करो, तब आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो शायद आपको खुद को टच करने देगी। वरना तो किसी बॉय की क्या औकात है कि वो लड़की को ऐसे ही टच कर दे। बिकॉज देखिए, ज्यादातर जो फिजिकल रिलेशन होते हैं ना, वो ऐसी ही गर्ल्स के साथ होते हैं जिनको मतलब अपनी जो लाइफ है ना उसके साथ इतना वो लाइट लेती हैं, चलो आज ये मेरा बॉयफ्रेंड है, महीना, 6 महीना, 2 महीने, 1 साल में इसके साथ रह लेती हूँ, बाद में इसके साथ ब्रेकअप हो जाएगा तो दूसरा मैं ढूंढ लूंगी। वो सीरियस नहीं होती है किसी रिलेशन के लिए, तो वो तो भाई लेंगी तभी कुछ देंगी, बिना लिए कुछ नहीं देंगी। तो जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, जो सेक्स वर्कर होती हैं, उनका सिर्फ यही होता है कि उनके जो रेट्स है ना वो हमें पता होते हैं कि हाँ भाई ये इतने पैसे में और इतने टाइम के लिए तुम्हें सर्विस देगी और उसके पास से तुम उठकर आ जाओगे, तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो लोग इस चीज़ को समझते हैं। फिर बात आ जाती है आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज क्यों मेल्स इनके पास जाते हैं? देखिए, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मेल्स के साथ। वाइफ जैसे प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर ने परहेज दिए होते हैं कि हाँ भाई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है, आपको इंटीमेट नहीं होना है, बट एक चीज़ है, एक आदमी ऐसा है कि उसको हैंड प्रैक्टिस की वो आदत नहीं है, उसको खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए एक फीमेल बॉडी की ज़रूरत होती ही होती है, और उसी चीज़ को पूरा करने के लिए वो पैसे देता है और किसी फीमेल के पास चला जाता है। एक हो गई ये बात। कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, भाई उसको ओरल भी करना है, उसको एनल भी करना है, उसको हर वो चीज़ करनी है जो पॉर्न्स में दिखाई जाती है। अभी बीवी हो सकता है वो ना करे, ज़्यादातर जो बीवियां होती हैं वो ये सब नहीं करती हैं, बट मेल्स को ये चीज़ अगर करनी है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अपनी ये जो फैंटसीज हैं, अपने ये जो शौक हैं, इनको पूरा करने के लिए वो चल पड़ते हैं पेड सेक्स की तरफ। कुछ लड़के बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, वो किसी लड़की को अपनी दोस्त नहीं बना पाएंगे, किसी जैसे बोलते हैं ना कुछ बॉयज़ का अपनी भाभियों के साथ, या बड़ी एज की जो लेडीज रहती हैं 35, 40, 45 प्लस की, उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन होता है, तो उनके साथ अगर वो रिलेशन नहीं बना पाएंगे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि भाई हम उनको ये चीज़ बोल पाएँ, तो फिर वो इसी एज की जो लेडीज़ रहती हैं, इसी एज की जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है ना, उनको हायर करते हैं और अपनी फैंटसीज पूरी करते हैं वहाँ पर उनसे, क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, कोई उनको मतलब उन जो जैसी सर्विस वो चाहते हैं वैसी उनको दी जाती है। बट पेड सेक्स क्या सही है, क्या क्या सावधानियाँ इसमें बरतनी चाहिए, उनका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, बिकॉज ये वीडियो हो गया है बहुत लंबा। तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था, मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इससे कितना सहमत हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या दुष्प्रभाव इसके हो सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।